नमस्कार, आज अनोखी केयर ममता की पोटली लेकर आया है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज की चमक दमक की दुनिया में जब एक नवजात बच्चा आता है तो उसके माँ बाप अपनी खुशी के साथ हर दम उसको नया कपड़ा पहना के और बाजार के कॉस्मेटिक लगा के रखना चाहते हैं। वो बच्चा जो कि प्रकृति रूप में माँ के पेट से बाहर आया है और उसको थोड़े समय तक अगर हम मानव में रहने की चीजों से दूर रखें, कम ओढ़ाएं, कम पहनाएं, कम लादें, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी और जब तक इम्यूनिटी अच्छी आ जाती है तब हमको उसको नए कपड़े पहनाने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आप अपने नन्हे मुन्ने को नए कपड़े पहना कर कितनी बीमारियां देने वाले हैं? और जैसा कि हम जानते हैं, पुराने जमाने में माँ बाप बच्चे को पुराने कपड़े कहीं के अपने भाई बहन के या पुराने अपने रिश्तेदारों के कपड़े लेके पहनाते थे। नए कपड़े पहनाने से बच्चे बहुत बीमार होते हैं। उसका कारण एक नंबर वन तो नया कपड़े में प्रिंट होती है जो कि केमिकल होते हैं इसमें। दूसरा, अगर वो वॉश नहीं किया हुआ है तो उसमें केमिकल्स हैं, रसायन हैं जो बच्चे को एलर्जी कर सकते हैं। तीसरा, नया कपड़ा थोड़ा कड़क होता है जो बच्चों की स्किन पे मुलायम स्किन पे रगड़ाता है और उससे उसको पैचेस और स्किन एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। चौथा, नया कपड़ा जो है उसमें से फर निकलते हैं, जैसे कि अस्पतालों में नया कपड़ा दिया जाता है जो कि फलालेन का बना होता है और फलालेन से फर निकलते हैं जो कि बच्चों के मुँह के द्वारा और श्वास नली के द्वारा अंदर पेट में भी जा सकता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि बच्चों को शुरू में बहुत सर्दी खांसी रहती है, उसका कारण ही यह है कि हम उनको मानव निर्मित कपड़े कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा लगाते हैं और जिससे कि उसको इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है और बच्चा बीमार रहता है। तो अगर हम बच्चे को बड़ा बिगर बीमारी के साथ बिगर दवाइयों के साथ करना चाहते हैं तो पुराने कपड़े पहनाएं और बच्चा को स्वस्थ रखें। एक रिसाइकल टू सेव रिसोर्सेस करके एनजीओ है जो कि एक कपड़े की पोटली देता है, वो पुराने कपड़े लेके और बच्चों के नए कपड़े उससे ही धोके पुराने कपड़ों को और बच्चों के कपड़े बनाते हैं, जिसमें कि देखेंगे आप 4 नैपनी, 2 जपड़े और ओढ़ने बिछाने के 2 टोपे आते हैं। ये एक छोटे बच्चे के लिए और बहुत ही मुलायम कपड़े के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सही रहेंगे, फ्रंटली ओपन और अच्छे से पहनाए जा सकते हैं। तो अगर किसी को चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है या डायरेक्ट उस एनजीओ से संपर्क। ये ममता की पोटली चाहे तो आप हमसे ले सकते हैं या डायरेक्टली एनजीओ से ले सकते हैं और स्पॉन्सर भी कर सकते हैं अस्पताल में डिस्ट्रीब्यूट करवा के।